जी राम राम जी, बताइए क्या तकलीफ है पाँव में? और पैर दुख रहा था घुटना से। अच्छा, पहले दुख रहा था? पहले से। अभी? अभी तीसरा पाटा बांध लिया जिससे मेरे को फर्क लग गया है। अभी? अभी अच्छा हो गया। पहले मुड़ता भी नहीं था? पहले मुड़ता नहीं, अभी मुड़ता है, बैठता हूँ। तेज चल भी पा रहे हो? हाँ, तेज भी चलता हूँ। गुरुदेव, ये क्या औषधियाँ हैं जिससे इनको इतनी राहत मिली? ये है चूना, जो जर्दे के अंदर मिलाकर खाते लोग, तो 10 ग्राम चूना और 30-40 ग्राम हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा देसी गाय माता का गौमूत्र मिला लीजिए। ये तीनों मिलने पर उसका कलर ऐसा लाल हो जाएगा, कवर हो गया एकदम। फिर बाद में ये इसके ऊपर लेप लगाने के बाद में चूना, हल्दी और गौमूत्र, उसके बाद में देसी गाय माता का गोबर गर्म करना है और उसको इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। गर्म तो नहीं लग रहा? नहीं। इसके ऊपर अरंडी के पत्ते, जिसके ऊपर देसी गाय माता घी या सरसों का तेल लगा के इसके ऊपर बांध देना है। किसी भी प्रकार की चोट हो, घुटने का दर्द हो, कुछ ही दिनों में ये खत्म हो जाएगा। और शायद इनके तो रिजल्ट एक दिन में आ गया है, क्यों रामाराम जी? सही बात है। बता रहे थे ये कि भाई कि बैठा नहीं जा रहा था, पैर मुड़ नहीं रहे थे, पहले पाटे के अंदर ही मुड़ गया, दंड बैठक लगाने शुरू कर दिया इन्होंने। आज बता रहे थे, आज मुझे तो बड़ी वो अचंभा होने लगा, नौजवान छोरे के सामने बैठ बैठ के दंड बैठक लगा रहे। तो मैंने सोचा भैया तो जवान छोरा भी नहीं कर सकता है। नहीं। तो बस दो पाटे का ये रिजल्ट है कि जिससे उठा बैठा नहीं जा रहा था वो दंड बैठक लगाना शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ी देसी पद्धति जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, बस थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा कर लेने के कारण हम इन चीजों को भूल गए हैं। बस समय रहते इन चीजों को वापस संभाल लीजिए, इससे बड़ी औषधियां है नहीं। घुटने का दर्द हो या कोई पुरानी चोट हो, इनके 6 साल पुराना है दर्द। लो पत्ते हो गए गर्म, पत्ते गर्म करो। सरसों के तेल लगाए हुए अरंडी के पत्ते लीजिए। इस प्रकार से अरंडी के पत्ते के सरसों का तेल लगाकर फिर इसके ऊपर इसको लगा दें, ऐसे लगा दीजिए। ये चीजें केवल सिर्फ बोलने की नहीं है, आप जो भी हैं आप प्रैक्टिकल में करके देखें। वो भी अच्छा गर्म करके दे दो। हाँ हो गया। हाँ इस प्रकार से ये होने के बाद इसके ऊपर पाटा बांध लीजिए। अब ये कितना कारगर है ये तो आप लोग स्वयं अपने चोट दर्द पे या घुटने के दर्द पे आप इनको लगा कर देखोगे, तब आप स्वयं को पता चल जाएगा कि इसका क्या परिणाम है। अभी तो रामाराम जी हैं, ये सिरोही जिले में रेवाड़ी रेवदर तहसील है, दानपुर गांव से, श्री बालाजी गौशाला में। हाँ, श्री बालाजी गौशाला में है। और ये जो बोल रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष साहब हैं विनोद जी चौधरी, तो ये रामाराम जी का अनुभव है कि इनको एक दिन में अच्छा परिणाम आया,
दूसरे दिन बीच में थोड़ा गैप दे दिया था, फिर तीसरे दिन वापस बांधा दो पाटे, और आज ये तीसरा पाटा है। अब आप इनसे वापस कल पूछ सकते हो कि क्या इसका परिणाम रहता है। विनोद कुमार जी, जी आपके यहाँ पर जो ये इस प्रकार के ये औषधि हैं, एक इनके ऊपर प्रयोग में लिया है, गौ माता की महिमा और पंचगव्य की महत्वता को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस चीज़ को आप आगे से आगे फैलानी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इनके हुआ ठीक, इनके माध्यम से ये चेतना जन जन तक पहुँचानी है और आगे से आगे पूरा गांव देखेगा ये तो महसूस करेंगे हर कोई, क्योंकि लोगों को बोलने से नहीं काम चलेगा, प्रैक्टिकल में करके दिखाना पड़ेगा। वंदे गो मातरम, इस प्रकार से और काफ़ी सारी बीमारियां हैं, उस सभी का इस प्रकार यहाँ प्रैक्टिकल में यहाँ पे करके दिखाया जाएगा।